हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, हमारे पास आज आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर जो कि पावर ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो ये पावर ऑन नहीं होता है। ठीक है, इसका ये प्रॉब्लम है कि कस्टमर ने दिया कि पावर ऑन नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना सीखेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके के और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर चार्ज प्लग इन किया तो आप देख सकते हैं, शायद आपको चार्ज दिखाई दे रहा होगा। ये रहा, इसकी चार्जिंग की लाइट जल रही है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। फ्रेंड, चार्ज हो रहा लेकिन ऑन नहीं हो रहा। तो अभी मैं इसके पावर की ठीक तरीके से प्रेस करके देख लेता हूँ, शायद पावर की प्रेस ना हो रहा हो या ख़राब हो सकता है। तो यहाँ से भी ये ऑन नहीं हुआ, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ये इसको ड्राइवर से बार प्रेस करके देख लेता हूँ, ये ऑन हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं ये ऑन नहीं हुआ है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कनेक्टर हैं, इसको रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड, कनेक्टर रिमूव करते ही मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन गई हुई है, लाइन ब्रेक हो गई यानी जल गई है। तो ये लाइन मुझे शायद प्रॉब्लम कर रही है, इसी वजह से पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो हम इसे अभी जम्पर करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये BT स्पीकर मेरा ऑन होता है या नहीं। तो मैं जल्दी से पहले इसका जो वायर है इसको जम्पर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको चेक करूँगा कि ये काम करता है या नहीं। तो ये फ्रेंड अक्सर प्रॉब्लम आती है जब हाई प्रेशर के साथ यानी फुल वॉल्यूम के साथ हम यहाँ पर स्पीकर को चलाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलाते हैं तो ये लाइन ब्रेक हो जाती है। तो हमने, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जम्पर कर लिया है, इस लाइन से उस लाइन तक हमने जम्पर वायर की मदद से जम्पर कर लिया है। अब चलिए इसके कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं, बैटरी वाले कनेक्टर को बैटरी वाले सेक्शन पे और स्पीकर वाले कनेक्टर को स्पीकर वाले सेक्शन पे कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मैंने बैटरी और ये स्पीकर दोनों यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर चलिए चेक करते हैं क्या ये पावर ऑन होता है या नहीं। तो मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं। Welcome to Grand Classic, your Bluetooth device is ready to connect. Bluetooth mode. तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप BT स्पीकर को बड़ी आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं चार्जिंग हो रहा या नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है अभी चार्ज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने BT स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं।